बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़्यादा खाने की हिर्स उसकी बुराई और उसका इलाज। बहुत से गुनाह पेट के ज़्यादा पालने से भी होते हैं। इनमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए। मज़ेदार खाने की हमेशा पाबंदी नहीं करनी चाहिए कि डेली हम बहुत कोई अच्छा और मज़ेदार खाना खाएं। जिस तरह भी सादा खाना खाएं, जो भी मिले उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, और अगर पसंद ना हो तो खामोश रहें, क्योंकि ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दूसरा, हराम रोज़ी से बचो। हद से ज़्यादा पेट ना भरो, बल्कि दो चार लुकमे की भूख रख कर खाना खाओ। इसमें बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इससे दिल साफ़ रहता है, जिससे अल्लाह ताला की नेमतों की पहचान होती है, और इससे अल्लाह ताला की मोहब्बत भी दिल में पैदा होती है। दूसरा, दिल में रिक्कत और नरमी पैदा होती है, जिससे दुआ और जिक्र में लज्जत महसूस होती है। तीसरा, नफ्स में बड़ाई और सरकशी नहीं पैदा हो पाती। चौथा, नफ्स को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचती है और दुख और तकलीफ़ को देखकर अल्लाह का अजाब याद आता है, अपने गमों पर अपनी बेबसी का एहसास होता है। इस वजह से इंसान फिर गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। पांचवा, गुनाह की रग़बत कम हो जाती है। इंसान गुनाहों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा नहीं होता और तबीयत हल्की फुल्की रहती है। नींद कम आती है, तहज्जुद और दूसरी इबादतों में सुस्ती नहीं होती। सातवां, भूखों और आजिज़ों पर रहम आता है, बल्कि हर एक के साथ रहम दिली पैदा होती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें एक रोटी की भूख है तो हमें रोटी का तीसरा हिस्सा जो है वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैदे में पानी, हवा और खाने तीनों के लिए अलग अलग गुंजाइश होनी चाहिए। इतना पेट नहीं भरना चाहिए कि मैदे में हवा की कोई गुंजाइश ना रहे और आप फिर बोझ महसूस करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस पर लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो और आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।